सीन है, वाह क्या सीन है। मैं लच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। तो भाई कंगना रनावत का ये वीडियो दशहरे का दिन रामलीला मैदान का बताया जा रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कंगना को रावण दहन के लिए तीर और कमान पकड़ाया गया है। इसके बाद कंगना की कई कोशिशों के बाद भी तीर कमान से नहीं निकल पाई। फिर क्या था, ट्रोलर्स की नजर इस वीडियो पे पड़ते ही वीडियो को वायरल करके जम के फिरकी लिया जा रहा है, जो की अच्छी बात नहीं है। अब अगर इस वीडियो को गौर से सुना जाए तो बैकग्राउंड में कावा सुनाई देगी, जिसमें एक कैमरामैन दूसरे कैमरामैन से ये कहता हुआ सुनाई देगा कि यार ये है कौन, मैं इसका नाम ही भूल जाता हूँ। नाम ही भूल जाता हूँ यार इसका, अरे सौरभ इसका नाम ही भूल जाता हूँ। कंगना रनौत, अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। अच्छा, इसी बीच कंगना रनावत का एक बयान सोशल मीडिया में जम के वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहती है मेरे पसंदीदा पर्सन नरेंद्र मोदी है, क्योंकि वो साधारण इंसान नहीं है, वो अवतार है। मतलब कुछ भी, सब क्या देखना पड़ रहा है। अब कंगना रनावत के इस बयान के बाद लोग भी यही कह रहे हैं कि जैसा गुरु वैसा ही चेली। क्या हुई तो बात दरअसल ऐसा है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी कुछ ऐसा ही ट्रेजेडी हो गया, देख लीजिए। वाह मोदी जी वाह। कैसे लोग रहते हैं। अब कंगना रनावत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वीडियो को शेयर कर लोगों की तरफ से खूब प्रतिक्रियाएं दिए जा रहे हैं। तो इसी पे कॉमेडियन भगत राम लिखते हैं, झांसी के राजा को भी तीर चलाना नहीं आता और झांसी की नई रानी को भी नहीं आ रहा है, ये लोग जानबूझकर रावण को मारना नहीं चाहते। रावण से इन सबको इतनी सहानुभूति क्यों है, असत्य पर सत्य जी से इतना डर क्यों है इन्हें। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो एक और यूजर लिखते हैं, 2014 आजाद भारत के फर्स्ट पीएम से भी बाढ़ नहीं चला और ना ही पापा की परी कंगना रनावत से, बस मुंह चलवा लो इनसे। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। आ? और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसी पे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं, ना इधर ना उधर तीर नहीं चला, कोई बात नहीं, वैसे असत्य को सत्य ही मार सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। देखिए भाई, ऐसी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनकी गरिमा होती है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आए दिन ट्रोल किया जाता है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।